क्या आपके बेटे का निकाह हुआ था और जो निकाह नामा नवाब मलिक ने दिखाया वो सही है या गलत है, विस्तार से बताइए। वो निकाह नामा उर्दू में लिखा है, जो साइन लिखा इंग्लिश में जो किया है वो साइन सही है, लेकिन निकाह नामा पे क्या लिखा है मुझे वो उर्दू नहीं आता, नहीं तो मैं आपको बताता ये सही है क्या झूठ। लेकिन ये निकाह हुआ है क्योंकि मैं बिना पढ़ के बता सकता हूँ, मुझे उर्दू नहीं आता, तो भी मेरे बेटे का निकाह हुआ है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से निकाह हुआ, उनका कुछ कारण से नहीं जमा, फिर उन्होंने कुछ साल के बाद दोनों ने मिल के आपस में डिवोर्स लिया, डिवोर्स कानूनी डिवोर्स लिया उन्होंने, तो ऐसा कहीं सवाल नहीं उठना चाहिए। और ये सबका पर्सनल लाइफ है, इतना नवाब मलिक साहब ने किसके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए, ड्रग किधर, पर्सनल लाइफ का किधर, मैं किधर, नवाब मलिक किधर, ये बहुत गलत बात है। और इसके अगेंस्ट में मैं शायद कोर्ट में भी जा सकता हूँ। वानखेड़े साहब, दो तीन सवाल स्पेसिफिक, आपके उस निकाह नामे में आपका नाम दाऊद करके लिखा गया, उस बारे में बताइए। ये भी अभी बहुत लोग ऐसे पहले, जब मेरी मिसेस मुस्लिम थी कोई प्यार से मुझे दाऊद बुलाता होगा, दाऊद बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, दाऊद भाई कैसे हो, ऐसा कभी बोला होगा, शायद मेरी मिसेस भी बोली होंगी प्यार से कभी, किसको अपन घर में मुन्ना कुछ भी ऐसा नाम रख सकते हैं, मुनावर अन्ना कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा एक किस्म का ये बोला होगा किसने। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आपका ये जो आपने दिखाया मैरिज जिसे रजिस्टर हुआ है जी, उसमें समीर डी वानखेड़े लिखा गया है। हाँ। आपका पूरा नाम नहीं है, जबकि दाऊद का भी डी आता है और आपका जो नाम है वो भी डी आता है, तो आपने पूरा नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? तो मेरा अभी वो तो मैंने नहीं लिखा, वो तो कलेक्टर साहब ने, मैंने थोड़ी लिखा है वो, और मेरा गवर्नमेंट का इसमें डी है, मैं जब रिटायर हुआ उसमें डी के वानखेड़े लिखा है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ, तो इधर मेरा जो डिपार्टमेंट में लगा हूँ 2000 उसमें उसमें आप ये मेरा सर्विस बुक है, ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े जी, आप क्लियर देख सकते। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगा हूँ तो कोई इंक्वायरी करके लगा होगा, ये मेरा असली नाम है। एक और मसला है कि जब वहाँ पे क्या आप लोगों ने अपने आप को मुसलमान बताया था शादी के दौरान? सर जब शादी हो रही, निकाह हो रहा था, तो क्या उस दौरान आपने अपने आप को मुसलमान बताया था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब शादी हो रहे थे, जब निकाह, दो जाति जब अलग अलग जाति होती जी, तो निकाह नहीं हो जाता है। इस्लामिक के कुछ ऐसा है कि दोनों एक जात के हुए तो ही निकाह कबूल होता है, नहीं तो हिंदू और मुसलमान का निकाह नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे मिसेस ने शायद वो उसको लगा होगा कि मुस्लिम लिखा होगा कुछ, क्योंकि मुझे वो आता नहीं है पढ़ने को जी, तो शायद लिखा होगा कोई ऐसा प्यार से। लेकिन मेरा असली गवर्नमेंट के रजिस्टर, मेरा जन्म पत्र, मेरा पूरा दाखला, सर्विस का, कहाँ पैदा हुआ, खानदान के सब इसमें। आप लोगों ने सच बताया था सर शादी के दौरान कि आप लोग हिंदू, मतलब उनका जो भरोसा, माता जी जरूर मुस्लिम इस्लाम को पालन करती थी, आप लोग हिंदू धर्म पालन करती है, आपने शादी के पहले बताया था उनको? अभी शादी के पहले तो हमारा प्रेम हुआ है भाई, मैंने लड़की मजी ये जो समीर जी की, हाँ हाँ हाँ, उसको भी मालूम है, शादी के पहले भी मिलते थे, शादी के पहले मिलते थे, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता था सिवड़ी वेयर हाउस में, वहाँ पे वो खुद आती थी, बिफोर मैरिज आती थी, जब वो हॉस्पिटल में उधर इंटर्नशिप करती थी खुद आती थी, लोग मुझे वानखेड़े मराठी में बोलते थे, वो सब पहले से मालूम है उनको। सर्टिफिकेट वायरल फेसबुक प्रोफाइल होता, तुमचं नाव दाऊद वानखेडे असं त्या प्रोफाइलवर मेंशन करणार, हे कोणीतरी मिस्टर अरे भाई 2 मिनिट रुक जाओ ना, सर ने इसका जवाब दिया हिंदी में चाहिए सर प्लीज, ये कोई तो भी मिस्टर किया होगा, फोटो मेरा है और कोई तो भी वानखेडे दाऊद लिखा है जैसा इस पे लिखा है, ये कोई तो भी मिस्टर किया है, यार कोई भी ऐसा झूठा प्रोफाइल भी रख सकता है, किसके भी नाम से रख सकता है, कितने ऐसे आपको प्रोफाइल बता सकते हैं कि कोई भी नाम रख सकता है, कोई भी आईडी रख सकता है, पासवर्ड रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। लेकिन ये ड्रग के मामले से, मेरे जाति से, मेरे नाम से, मेरे धर्म से क्या संबंध आता है, जरा मुझे बताएंगे या नवाब मलिक साहब बताएंगे मुझे? सर म्हणजे एक हिंदू आणि मुस्लिम निकाह कसा काय हा झाला, किंवा मग 33,000 मेहर दिली असं त्यात जे काय आहे ते खरं आहे का? हा, हे खरं असावं, कारण मला उर्दू येत नाही, ज्यावेळेस निकाह होतो त्याची पद्धत असते, काही मेहरची पद्धत असते, त्याप्रमाणे म्हणजे निकाह मुस्लिम या प्रमाणे झाला आहे आणि त्याच्यात प्रथा असते काय मेहर देण्याची, ते मिसेसने केला असेल, कारण मिसेस मुस्लिम असल्यामुळे सर्व तिलाच माहीत आहे।